नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपीएससी एलटी ग्रेड उत्तराखंड एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है और फॉर्म अप्लाई हो रहा है। जुलाई में आपका परीक्षा है उत्तराखंड एलटी ग्रेड का। तो उत्तराखंड एलटी ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री की टेस्टरी चल रही है और यह टेस्टरी संख्या 7 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट में हुई है, जाकर देखिएगा। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं यदि आप लोग यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एसएसटी का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। तो 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है, लेकिन यह आपका 50% डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। कुल मिलाकर 799 रुपये का आप लोग का कोर्स है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। और प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हम लोगों ने सीरीज देख लिया हुआ था बड़ी बढ़िया से। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 120 एमसीक्यू जो एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं है, व्याख्या के साथ नहीं है, वैसे 121 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया हुआ था, ठीक है। अब हम व्याख्यात्मक जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न है वह हम लोग देखेंगे, ठीक है। और यह तीसरी संख्या 7 है मित्रों। बहुत ही बढ़िया सीरीज चल रही है, एक फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सीरीज चल रही है। आइए शुरुआत करते हैं। और जो लोग हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है। केवल 799 रुपये का कंप्लीट कोर्स है और पूरा नोट्स भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सारे के सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे और कंप्लीट कोर्स है 799 रुपये का। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आधारित है। तो मानव समाज विलक्षण है, यह मुख्यतः किस पर आधारित है? तो यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो बी ऑप्शन जो है आपका वह आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, व्याख्या इस सीरीज की जान है। मानव समाज विलक्षण और विशिष्ट होता है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज भी परिवर्तित होता रहता है, जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती जाती है। संस्कृति विज्ञान अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर परिवर्तित व्यवसाय ही परिवर्तित होते रहते हैं। प्रश्न दो देखिएगा, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो हड़प्पा किस सभ्यता से संबद्ध है? तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध है। विकल्प सी जो है आपका सही है, ठीक है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? किस सभ्यता से संबद्ध है हड़प्पा? तो ये यहाँ पर हड़प्पा किस सभ्यता से संबद्ध है ये बात थोड़ा सा गलत हो गया है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक स्थल हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। पहला जो स्थल मिला है वह हड़प्पा से ही मिला है, इसलिए इस सभ्यता को, समुचित सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। प्रश्न तीन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस कालखंड का है? प्रागैतिहासिक युग से है, ऐतिहासिक युग से है, आद ऐतिहासिक युग से है या मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद ऐतिहासिक युग से है, आद ऐतिहासिक युग से है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया है, न जाने यह सब मिसप्रिंटिंग क्यों हो जाता है। तो विकल्प सी है आद ऐतिहासिक युग, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्याख्या में सब कुछ सही है। सिंधु सभ्यता आद ऐतिहासिक सभ्यता की देन है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था कि वो अभी तक उसे पढ़ाने जा सका। जहाँ जिस सभ्यता में लेखन कला के ज्ञान के होने के बाद भी, लिखित साक्ष्य मिलने के बाद भी लेख पढ़े नहीं जा सकते हों, ऐसे सभ्यता को हम आद ऐतिहासिक युग में रखते हैं। प्रश्न चार देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह एक नगरी सभ्यता थी। देखिए यह इसकी अपनी लिपि थी, इसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, ये तो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह क्या थी? यह एक नगरी सभ्यता थी। क्योंकि वैदिक आर्य सभ्यता क्या थी? वैदिक सभ्यता जो थी वह ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता एक आपका नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि यह एक नगरी सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। प्रश्न पांच देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण आपका नगर नियोजन है, नगर नियोजन, ठीक है। नगर नियोजन भी है, मृदभांड भी है, विकल्प डी मृदभांड भी है। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर सिद्ध करते हैं। प्रश्न छह देखिएगा, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, क्यों भिन्न थी? क्योंकि इनके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, इनके पास लोहे और अच्छा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो उपयुक्त सभी, विकल्प डी होगा आपका उपयुक्त सभी।
व्याख्या देख लीजिएगा। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक नगरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि वैदिक जबकि घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे के ज्ञान का अभाव था। लोहे का ज्ञान 800 BC में हुआ है, मतलब उत्तर वैदिक काल में हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। प्रश्न 7 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की ज्ञान का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की ज्ञान का जो प्रमुख स्रोत है वह है पुरातात्विक संबंधी खुदाई। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? तो वह है पुरातात्विक खुदाई। विकल्प सी जो है आपका सही है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरातनों से प्राप्त पुरावशेष ही संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातात्विक संबंधी खुदाई। विकल्प भी जो है आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वह क्या है? तो वो है आपके मोहर। मोहर मुख्य स्रोत है। विकल्प भी जो है आपका सही है। सिंधु सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों और विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। प्रश्न 10 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो एफ रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। देखिए, एफ रफीक मुगल ने ऐसा नहीं कहा था। एफ रफीक मुगल ने कहा था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वह स्थानीय सभ्यता के ही उद्भव का परिणाम थी। ठीक है, तो यही आपका सही नहीं है, एफ रफीक मुगल वाला विकल्प। बाकी ये आपका सब सही है। जेस मैकिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ? सुमेर से लोगों का पलायन हुआ, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ। मार्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं? पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रोशन हुआ, यह कहते हैं। अवनानंद घोष कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम से हुआ, ये भी सही है। लेकिन क्या सही नहीं है? ये आपका एफ रफीक मुगल का वाला जो स्टेटमेंट है यही आपका सही नहीं है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। इजय मैके के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण इन्हीं के फलस्वरूप समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद DH गार्डन और मार्टिन व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचारों के प्रवसन के कारण हुआ। इस संदर्भ में अवलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम से हुआ। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल मिलाना है तो हड़प्पा का उत्खननकर्ता कौन है? तो वह दयाराम साहनी। और हस्तिनापुर के उत्खननकर्ता कौन है? बीबी लाल हैं। और तहसीला के कौन है? सरजान मार्शल है। कौशाम्बी के कौन है? एमजी मजुमदार है। इस तरह से आप लोग मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे आप लोग मिलान कर सकते हैं कि किस सभ्यता का के स्थल की खोज कौन से पुरातत्वविद थे। ठीक है, प्रश्न 12 देखिएगा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वह हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। व्याख्या देख लीजिएगा, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य जानकारी थी, इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। प्रश्न 13 देखिएगा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया गया है। विकल्प जो है आपका सही है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित थी। प्रारंभिक हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था, लेकिन सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन बाद में क्या किया जाने लगा? हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की और दूसरा चित्रित मधुभांड की। मधुभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिसको पकाने पर हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेते थे। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की खुदाई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। इसीलिए इसको लाल काला मृदभांड कहते हैं, क्योंकि मृदभांड जो होता था, मिट्टी का बर्तन होता था, वो लाल रंग का होता था, लेकिन इसमें जो चित्रकारी की जाती थी वो किसे की जाती थी? काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, प्रश्न 14 देखिएगा, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य सभ्यता से, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से। विकल्प जो है आपका सही है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, इसके उदाहरण अनेक सिंधु पुरास्थलों से प्राप्त मूर्ति देवी मातृ देवी की मूर्तियों
तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र है। ठीक है, प्रश्न 15 देखिएगा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक की हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण हुआ है। तो टेराकोटा कलाकृति में या मोहरों पर किसका अंकन हुआ है, तो वह अंकन हुआ है, किसका अंकन नहीं हुआ ये पूछ रहा है ना। हाँ, तो गाय का अंकन नहीं हुआ है, विकल्प जो है आपका सही है, गाय का अंकन नहीं हुआ है। बैल का अंकन हुआ लेकिन गाय का अंकन नहीं हुआ है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं हुआ है, जबकि हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा, भेड़ा, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। प्रश्न 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो हड़प्पा स्थल चंद्रगढ़ भी है, कुर्दी की भी है, देसरपुर की है। सोहगौरा आपका हड़प्पा स्थल नहीं है, विकल्प सी। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गाँव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। ये जो सोहगौरा है यह मौर्यकालीन स्थल है, जहाँ से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, मतलब अन्नागार का साक्ष्य मिला है। ऐसा साक्ष्य मिला है कि अकाल के समय यहाँ पर अनाजों का वितरण होता था। चंद्रगढ़, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर हैं। कोटदीजी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, देसलपुर गुजरात के राज्य की कच्छ में स्थित है। प्रश्न 17 देखिएगा, यह मिलान करना है, लूथल में क्या प्राप्त हुआ है, गोदीवाड़ा। फिर कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला है। धौलादीरा में आपका हड़प्पा लीप के बड़े आकार के 10 चिन्ह मिले हैं। बनावली में पक्की मिट्टी की हल्की प्रतिकृति मिली हुई है। इस तरह से आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 18 देखिएगा, एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ हुई है। जुते हुए खेत की खोज हुई है कालीबंगा से, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा लीप में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो जुते हुए खेत के निशान आपके कालीबंगा से मिले हुए हैं। ये आपको सुमेलित करना है तो सुमेलित कर सकते हैं। हड़प्पा से क्या मिला है, हड़प्पा से आपका सौधान मिला है, R37 नाम का कब्रिस्तान मिला है। लूथल से क्या मिला है, गोदीवाड़ा मिला है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। इस तरह से आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। यहाँ पर सुमेलित किया हुआ है, हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान का नाम R37 है। लूथल से गोदीवाड़ा में बंदरगाह मिला है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो देखिए 20 क्वेश्चन आपके हो गए और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 20 क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। और ऐसे मैं 82 क्वेश्चन मैं दूंगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा, और 121 क्वेश्चन मैं बिना एक्सप्लेनेशन वाला भी दे दिया हूं। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं, यकीनी तौर पे बोल सकता हूं कि सिंधु घाटी से बता से प्रश्न जितना भी आए यहीं से आपके आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, और UKPSC LT ग्रेड SST हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोगों को।